तैयार हो सारे? हाँ। ए, आज अली की सेम लुक वही वाली लगी है। हेयर सेट ऑफ, कल पुरानी वही लगी थी। ओ प्ले ही है। लाइक कर रही हो? ऐसा तो हो गया। बारिश रुक गई है। क्या आपको मिलवाएंगे एक महान तरीके से? हसन भाई हमारे इतने अच्छे हसन भाई है ना, सारा नाश्ता इन्होंने लगवाया जबकि यहाँ पे वेटर भी मौजूद है। हसन भाई थैंक यू यार, आई लव यू यार। दिखा दिए, देखिए मेरे शोहर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये मेरा बेटा, ओह माय गॉड यार, आज मेरे शोहर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आ गया जी हमारा दूसरा नाश्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता तो आ गया है जिसमें देसी मुर्गी का सालन और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बादशाह जिंदगी में कभी भी मेरे मिले जी। ये आ गया है बादशाह मस्जिद, यहाँ पे जारा जी साइड पे है। और जारा ने कहा जी आप जरा ब्लॉग में थोड़ा सा एंट्री कर लें, और मैं आपको जी बताता हूँ। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अलामा इकबाल के मकबरे के पास, डॉक्टर मोहम्मद ड्रेस आ गई जी शाही मस्जिद की। बाय द वे हमने आज काफी एंजॉय किया ईद को, और फैमिली गेट टुगेदर हो गया है, और अचानक से सबने हल्ला बोला जी हम नाश्ता करेंगे। कहते ना शिया ईद नहीं मनाते और ना से खास भी लाते, क्यों नहीं मनाते यार, हम लोग घर पे मनाते हैं, मौला का पैगाम मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। बाय द वे जा कर रहे हैं सस्पेंस अभी, ये हम चलें ठीक है, सरप्राइज ही है। आप सब हमारे साथ ही बने रहिएगा, बाकी जो लगुला चलता रहेगा मैं रिकॉर्ड करती रहूंगी। आप सबने हमारे साथ ही जनाब, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और देखे थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह भी हो गई है, गर्ल्स अभी आई हैं रेडी शेडी हो रही है। मैंने उन्हें कहा आज तुम लोगों ने मास्क लगा के रखना है और मेरे साथ ही रहना है। और ये मेरा कैमरा पकड़ लिया शाह हुसैन ने, तो अभी जिंदगी हाय कर दो। हाय जिंदगी, जिंदगी मेहंदी दिखाओ। सबसे पहले तो ये जाएगी। वाओ एली, इसको नानो के घर चलो। शामू अली भी जा रहे हैं। ओए ना ऐसे नहीं कहते सोनू को, सोनू की बच्ची व्लॉग में क्या कह रही है आपको? ये है ही बात नहीं है ना, नहीं बना रही भाई, पता नहीं क्यों शाह हुसैन ने व्लॉग भी नहीं आना। लड़कियां पता नहीं कहाँ रह गई हैं, बस एक लड़की खड़ी हुई है, बाकी पता नहीं कहाँ रह गई यार। बस आ रही है तो निकलते हैं नाश्ता करने के लिए, मेरे साथ बने रहिएगा। हो सकता है कि मैं घर के बाहर आऊँ और इतना प्यारा आसमान हो और मैं जनाब अब्दुल फजील अब्बास को सलाम ना करूँगी तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह, सलाम वालेकुम या अब्दुल फजील अब्बास, अलहमदुल्ला। तो मेरी जिन जान बस निकल गए, लड़की अभी भी लेट गई, बस निकल रहे आते हैं। ठीक है माला जी, अभी मेरे साथ ही रहिए। ओके जी, अब हम निकल रहे हैं और डेस्टिनेशन पे जाके आप सब मिलते हैं। और यार इतना खूबसूरत मौसम था कि मैं आपको क्या बताऊं, बस मैं नहीं बता सकती। आप लोग चेक करें यार कि क्या वेदर है। उफ कल तो लाहौर कसम से इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। कल का व्लॉग अलग ही लग रहा था लाहौर, पता नहीं क्या। अपलोड आज कर रही हूं मैं, लेकिन ये हमने कल बनाया था और इतना खूबसूरत वेदर था ना। और रास्ते में आपको पता है एक जगह पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बहुत प्यारा वेदर था माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, ईद मुबारक। हमारी ईद का है पास से मिले थे दो, चलो आगे चलते, चलो आगे चलते, चलो यार आपको जाके मिलते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो के नाश्ते किए चले हमारे साथ। ले जनाब हम लोग आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे, हम लोग आए हैं ताज महल अंदरून साइड पे। किस साइड पे? फोर्थ स्ट्रीट है ताज महल, वहाँ पे आए हम लोग नाश्ता करने के लिए। बस अभी नाश्ते की टेबल लगती है, तो फिर आपको मिलते हैं, हमारे साथ ही बने रहिएगा।
सब लोग इधर ही बैठे हैं। ये अली अकबर भाई, ये बच्चे, ये और ये मैं, मिलते हैं आपको नाश्ता करके। अकबर भाई जा रहे हैं आप लोगों को ताजमहल दिखाने के लिए, जैसे बाकी ब्रीफिंग करते हैं मेरे साथ चीजों की, इसी तरह जाएंगे। हमें किसी ने कहा था कि भाई यहाँ का नाश्ता कीजिएगा, और यार वाकई इतना मज़े का नाश्ता था, मेरी तरफ से 10/10 है। आप भी जाइएगा और ज़रूर नाश्ता कीजिएगा। ये बिल्कुल फूड स्ट्रीट के पास है, जो बादशाह मस्जिद का गेट नंबर 4 है, उसके सामने इसकी लोकेशन है। आप लोग जाइएगा, बहुत ही मज़े का था। हम लोग यहाँ से होके फिर सीधा बादशाह मस्जिद चले गए थे, और गर्म गर्म नाश्ता आया था। उफ उफ क्या बताऊँ मैं, क्या मज़े का नाश्ता था। यकीन करें मेरे कहने पर, एक दफ़ा जा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके लाजमी बताइएगा कि आप ही, हम लोग आपकी वजह से जाके नाश्ता करके आए हैं। मैंने खुद यहाँ से नाश्ता फर्स्ट टाइम किया है, मैंने भी, अली ने भी, हम सब ने, लेकिन हमें किसी ने रेकमेंड किया था कि आप लोग जाओ, हम लोग गए, और यकीन करो इतना मज़े का नाश्ता था ना वाकई। हम लोगों ने और जगह भी एक्सप्लोर की है, लेकिन ये करके हमें बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था। हमें नहीं, हमारी पूरी फैमिली को, बच्चों को, बड़ों को, सबको, क्योंकि यहाँ पर हमारी मदर्स भी हमारे साथ थी, बस वो कैमरा पे नहीं आई। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया था नाश्ता करके, आला तरीन था, कसम से जाइएगा और ज़रूर जाके ट्राई कीजिएगा। बातों की बात, आपको मैंने ताजमहल दिखा दिया, देखिए मेरे शोहर कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और ये मेरा बेटा, ओह माय गॉड यार, आज मेरे शोहर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। श्याम अली स्माइल करते हैं बाबा शाह, ओए श्याम अली ये क्या है। फिर अली आप अपने लिए क्या नाश्ता लगवा के आए? मैं लगवा के आया हूँ जी देसी मुर्गे का लेग पीस, तो देसी बंदा हूँ, साथ कुलचे, लस्सी, साथ देसी शोरबा। ओ श्याम कह रहा ग्लासेस दीजिएगा, ग्लासेस, ओ माय गॉड माय बॉय, ओए अम्मा जी के जी 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 ओ चले जी नाश्ता आता है, फिर आपको मिलते हैं। मेरे साथ तो आ गया है जिसमें देसी मुर्गे का सालन और साथ में नान। ये पहला नाश्ता क्या हमारा आता है, तो फिर आपको आ गया जी हमारा दूसरा नाश्ता, अल्हम्दुलिल्लाह से अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे। ओके मिठो, बाय बाय। हसन भाई हमारे इतने अच्छे हसन भाई है ना, सारा नाश्ता इन्होंने लगवाया, जबकि यहाँ पे वेटर भी मौजूद है। हसन भाई थैंक यू यार, आई लव यू यार। हसन भाई जब मैं लाइव जाती हूँ ना, सब आपके बारे में पूछते हैं, कुछ कह दें ऑडियंस को, अपनी को। बहुत शुक्रिया जी आपका, जो पूछते हैं सब सलामत रहे, अल्लाह ताला अपने मान में रखे सबको। चले हम नाश्ता पीज लें। अकबर भाई दिख रहे, पर अभी मैं अकबर भाई की तरफ नहीं कर सकती, साथ हमारी खवातीन बैठी हैं जो नकाब के बगैर मस्तूरात के अदब में, नहीं बैठी नहीं, अब नाश्ता करें। ये देख रही है जरा इधर मस्तूरात बैठी हैं, तो मैं ऊपर नहीं कर सकती। कैसा लगा आपको नाश्ता ये वाला? बहुत मजेदार। अली फिर कैसा लगा नाश्ता? ओके ओके, हम जरा अभी कर रहे हैं पहले पेट पूजा, फिर काम। लो यार नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बादशाह मस्जिद। जिंदगी में कभी भी मैंने भी नहीं देखी कसम से, अभी जा रहे हैं बादशाह मस्जिद टूर। यस वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ, नहीं यार वो आप लोगों को भी दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ये आ गया जी गेट, ठीक है जी हमारे साथ ही रहिएगा। गेट नंबर 4 बॉयज कहाँ हैं? बॉयज आ रहे हैं, बस चले आते हैं तो फिर चलते हैं। जनाब ये आ गई है जी शाही किले की एंट्रेंस, मैंने कहा आप लोगों को एंट्रेंस का भी दीदार करवा दिया जाए। उधर अब ये देखिए, चलो जी चलते हैं अब अंदर, फिर मिलते हैं आपको, हमारे साथ ही बने रहिएगा। शाही किला देखिए, ये आ गया है बादशाह मस्जिद, खिला खिला खिला। मुझे यहाँ की जगह का, डेस्टिनेशनों का कुछ भी नहीं, वो ही सामने वो गुरुद्वारा है, वो पीछे देखे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये आ गया गुरुद्वारा, ठीक है जी मस्जिद के पीछे गुरुद्वारा। मुझे वैसे इसकी हिस्ट्री इतनी कोई नहीं पता, क्योंकि मैं शाही खानदान से तो ताल्लुक रखती नहीं, जो मुझे हिस्ट्री बताओ। अलबत्ता मेरा बच्चा बड़ा इंजॉय कर रहा है, क्यों चाहू अली अच्छा लग रहा है? पेंडू लग रहा है, पेंडू लग रहा है। अकबर भाई, अली बाकी गर्ल्स वहाँ पर हैं जिन्होंने अभी नकाब नहीं किए हुए। देखें जो हमारे बड़े आला तरीन शायर जिन्हें ख्वाब आया था पाकिस्तान का, इलामा इकबाल, ये उनकी तुर्बत है, आप देखें। ऐसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे आए और इनकी तुर्बत पे फातिहा खानी ना करें, फातिहा खानी करके फिर आगे। यहाँ पे जारा जी साइड पे है, और जारा ने कहा जी आप जरा ब्लॉग में थोड़ा सा एंट्री कर लें, और मैं आपको जी बताता हूँ इस टाइम हमें खड़ा हूँ अलामा इकबाल के मकबरे के पास। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जो है मफ़खरे पाकिस्तान, शायर मशरक़ कहा जाता है इनको, और ये अलामा इकबाल साहब जो है 21 अप्रैल
1938 को 60 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए थे। इनका मकबरा बादशाह मस्जिद के पहलू में है, जो कि बिल्कुल हमारे सामने है। ये मस्जिद इसके पहलू में इनका मकबरा है और मौजूदा कब्र की इमारत जो है, इनको इनकी जो कब्र है इसको 1951 में तमीर किया गया था। और इसका जो डिज़ाइन है वो हैदराबाद दक्कन के मशहूर नवाब जैन यार जंग बहादुर ने बनाया था, जो निज़ाम हुकूमत के एक मामार थे जी। और मज़ार के अंदरूनी सतह पर इकबाल की शायराना तंसीफ और ज़बूर अजम से एक गज़ल के 6 अशार की निंदा है। अभी हम मज़ार के अंदर जा चुके हैं, ज़ारा ने अंदर से शूट किया हुआ है। और यहाँ पर जी बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मार्बल स्टाइल में और कदीमी जो रवायत चलती थी। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो सबसे अच्छा लगा है, गार्ड ऑफ ऑनर भी साथ में खड़े हुए हैं जी, फौजी फौजी। और अभी हम जनाब व्लॉग शूट कर रहे हैं और यहाँ पर आ गए हैं जी श्याम अली साहब। श्याम आप कहाँ पर आए हुए? शाही मस्जिद की। अब हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, चले मेरे साथ। पहले आपने देखी थी कौन सी मस्जिद देखी थी, वो कौन सी थी मस्जिद? अब हम बादशाही मस्जिद दिखा रहे हैं। ओ वाओ यार, हां जी काफी मटेरियल लगा हुआ है। अभी हम लोग घूम रहे हैं बादशाह मस्जिद के अंदर। अकबर भाई यहाँ में क्या लिखा हुआ है? मोहब्बत मोहब्बत करने वालों के नाम जगह जगह पर नक्श है। ये देखें, ये देखें, देखें। कसम से अगर बादशाह मस्जिद को अंदर से पेंट किया है काफी अच्छी हो जाएगी। उन्होंने अच्छा नहीं रखा हुआ अंदर, अंदर से किस जगह से देखें जरा क्या हाल कसम से बनाया हुआ। अब फिलहाल हम लोग अब वो तो नहीं कर रहे हाँ, लेकिन हम लोग ना अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ही करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखे सामने मीनारे पाकिस्तान, और हम सब अपना घूम रहे हैं। हम सब मतलब के अब बिखर गए हैं मस्जिद में। आगे एक सेकंड में आपको बिल्कुल सामने जो है ना मीनारे पाकिस्तान भी दिखाती हूँ पेंडुओं की तरह। ये देखे जना बिल्कुल सामने मीनारे पाकिस्तान है। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, घर जाते हैं और जाके अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। हमारे साथ ही बने रहिएगा घर जाने तक। बच्चों ले जनाब, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस अल्हम्दुलिल्लाह से, और यहाँ पर करेंगे हम लोग अपने ब्लॉग को एंड। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबकी तरफ से आपको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर हमारे मौला के ईमान में मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। या अली वारिस।